गुरु जी नमस्ते। अरे शंभुनाथ बेटा, अब मुझे ये बता। जय शंभुनाथ, जय महाकाली, महाकाल। शमशान में जाके वो प्रयोग करना है तो करना है गुरु जी, मेरे को करना है, मेरे को सीखने का है वही। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा। तू कब गया था शमशान पहले ये बता, जो तेरे साथ वो हुआ हादसा हुआ। नहीं नहीं, रात में मेरा इधर एक गुरु है यहाँ पे, एक मिनट में उसको पहला मिला तो वो बोला जा, अभी पहला उसको निवेदन देना पड़ता है ना उनको। अच्छा, जो शमशान के अंदर देवता होता है। हाँ, नहीं नहीं, निवेदन देना पड़ता है ना शमशान में। अच्छा ठीक है, चलो निवेदन दे दिया फिर। हाँ, निवेदन दिया फिर घर पे आया। अच्छा, घर पे आया तो रात 12 बजे तक इधर उधर मेरे को लेके जा रहा है, साथ साथ मेरे को समझा। तो मैं उधर ही जगह पे सोया, उन्हें 2-3 थपड़ा मारा, फिर मैं उधर ही सोया। एक मिनट इधर जा बेटा, रुको। जब ये जो तेरे थप्पड़ मारे, कहाँ पे मारे? तेरे घर पे या शमशान में? घर पे सोया था, एक खेत में। खेत में मारे, तो जिसने थप्पड़ मारे वो शक्ति दिख नहीं रही थी? नहीं दिख नहीं रही थी। तो चादर वादर भी खींची तेरी? हाँ? क्या तेरी चादर खींची है, खाली थप्पड़ ही थप्पड़ मारे? नहीं नहीं नहीं, चादर बाजू में फेंक दिया, वो थप्पड़ मारी, ऐसा हुआ। चादर बाजू में फेंक दिया खींच के, फिर थप्पड़ मारे। हाँ। तो रात कितने बजे मारे? 12 और 1 के बीच में, मतलब 12:30 के 12:30 बजे। तो ये बता, कितने थप्पड़ मारे होंगे लगभग शक्ति ने तेरे? 10-12 मारे रहेगा, 10-12। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ, तूने देखा नहीं आसपास कौन है, कौन मार रहा है? देखता ही नहीं, दिखता ही नहीं, खाली आवाज आ रहा था, ए क्या कर रहा है ऐसा, मतलब मराठी में बोला था वो, ऐसा तुमको हिंदी में बता रहा है सर। क्या क्या मेरे को लेने आया, क्या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेने आएगा ना तो आराम से लेने, मेरे को खाना पीना आराम से खिलाने का, मैं आएगा तुम्हारे पास, ऐसा बोला, मतलब मराठी में बोला, मैं हिंदी में तुमको बता रहा। अच्छा 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 अच्छा, तो यानी कि उसने जो भूत था उसने मराठी में बात की? हाँ मराठी में, हमारे इधर मराठी है ना सर, पूरा महाराष्ट्र में वो चीज मराठी बोलती होगी। ठीक ठीक ठीक, तो उसने बोला कि अगली बार जब मुझे लेने आना तो कैसे लेने आने को बोला? लेने को आना है ना तो एक लकड़ा लेके आ, चंदन का रहेगा, कौन सा भी लकड़ा रहेगा ना, तो चंदन का लकड़ा लेके आ शमशान में बैठ। अच्छा। और काल भैरव को विनंती करो, हम लोग इधर बैठा है, इधर आओ, महाकाली को विनंती करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा बोला। तो मैं उनको अभी आज शाम को जाने वाला है, आमुश है ना। हाँ, आज शाम को जाने वाला है उधर। तो चंदन की लकड़ी ओरिजिनल ले जानी पड़ेगी, नकली ले गया ना तो फिर वही मारेगा उठा उठा के वो। नहीं नहीं गुरुजी, तुम्हारा तो आशीर्वाद है ना हमारे पे। आशीर्वाद तो है। अब देख, हमसे जुड़े हुए कितने दिन हुए तुझे, इतनी दिन में तुझे इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं 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 नहीं, चंदन का लकड़ा नहीं रहेगा तो गुरु जी दूसरा लकड़ा कोई रहेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा ना, चंदन का लकड़ा ले जाएगा, या तो हड्डी ले जा किसी की, बकरे की सूखी हुई हड्डी। बकरी की? बकरा नहीं होता है? हाँ, जो अपना बकरा भगवान जी को काटता है, ऐसा बकरा वाला। हाँ समझा समझा, बकरा मतलब बकरा, मैं बकरा। हाँ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो बकरे का जो हड्डी नहीं होता सूखा हुआ? हाँ सूखा हुआ। या तो हड्डी ले जा, ठीक है। ये सब जो होती है ना, ये चंदन की लकड़ी को खाती है। हाँ समझ गया, समझ गया। तो इनका जो है ना भोजन है ये चंदन की लकड़ी, हड्डी है। हाँ, उनको शक्ति का भोजन है वो। हाँ, और थोड़ा सा उसके लिए दारू भी ले जाना। दारू तो इधर हमारा खुद का ही धंधा है दारू का। एक पैक दो पैक तू मारना, दो पैक सामने बना के रखना, एक पैक तू मारना एक सामने रखना। वो क्या करेगा ना, इस बार तेरा पैक भी पिएगा तेरे सामने, हवा हवा में पैक गायब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तेरे में तो दिल है मजबूत, डरता थोड़ी है तू। जब तेरे 10-12 थप्पड़ मार दिए उसने तब नहीं तू डरा, अब क्या डर। हाँ। लेकिन जब वो आ जाए ना सुन। हाँ। तो उसे कहना मेरे गुरु के आदेश से मैं तेरे लिए मदिरा लाया, ठीक है। हाँ। उसे कहना कि मुझे तो अपना नाम बता और मुझे तो अपना बुलाने का तरीका बता और मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता। अच्छा, क्या बोलेगा? मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता। तू मेरा भाई जैसा है, मैं भी तेरा भाई जैसा। अच्छा, तेरा बड़ा भाई जैसा बन के रहना, क्या बोलता? हाँ, वो समझ में। हाँ, तो ये बोलने का कि भाई
तू मेरा बड़ा भाई बन के रहने का, अच्छा छोटा भाई समझने का, मुझसे कोई गलती हो तो उसको माफ करने का, मारने का नहीं। हाँ। सम तेरा फायदा करा रहा हूँ, पैसा कमाएगा तो पैसा आ जाएगा फिर तो। पहले तो उसके लिए वो रात को हो सके तो दारू ले जाना, चंदन का लकड़ी ओरिजिनल मिले ठीक है, नकली मत ले जाना ना गुस्सा कर जाएगा वो, हड्डी ले जाना। हाँ नहीं, लकड़ी मिला तो हड्डी लेके जाता है ना बकरे का सूखा वाला। हाँ बकरे का हड्डी ले जाना और खुशबूदार अगरबत्ती ले जाना बस। हाँ। एक मीठा लड्डू ले जाना, मीठा लड्डू, एक गेंदे का फूल ले जाना अगर ले जा सकता है तो ना। अच्छा हाँ, एक गेंदे का फूल ले जाना अगर ले जा सकता है ना भाई। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि उसे ये बताना कि भाई तू अपना दोस्त बनता, यानी कि उसको बोलने का कि भाई अपन से ना आज से अपन लोग ना दोस्त हैं, भाई लोग हैं। अच्छा उससे अपना भाई बनाने का तुझे ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी, तुम्हारे हिसाब से मैं वैसा ही करेगा शाम को। तुम्हारा द्वारा अगर वो तेरा दारू ले ले, दारू खोलना, उसे हल्का धार देना, उसका पैक बनाना बकायदा या पूरा रख देना। दोबारा मुझे बुलाना हो तो मैं कैसे बुलाऊं और कब मुझे आना चाहिए। अच्छा अबे सुन लेना, तू पेन कॉपी ले जाना ना, एक पेन पेपर ले जाना, देख दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सुन ले मेरी बात, ये चीज अच्छी है, तभी तो उसने तेरे को आके थप्पड़ थप्पड़ मारा बेटा। समझ गया ना, ये पैसा लाके देगा लेकिन कभी नहीं मांगना इससे पैसा, पहले से खुश कर फिर इससे पूछ भाई मैं और तेरे लिए क्या लाऊं। अच्छा अगर ये तुझे बताएगा मुंह से कि मेरे लिए ये ला तो उसके लिए लेके जाना, लेके जाएगा ना मैं उसको। हाँ और उसके बाद इसे कहना कि जब दूसरी बार देगा ना फिर इसे कहना कि भाई मैं अब तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा हरिद्वार। हाँ। मेरे गुरु के पास। अच्छा समझ गया, समझ गया गुरु जी। तो इसकी दावत हम यहाँ करेंगे बड़ी वाली, खुश करेंगे इसे, प्रेत है एक तरह का ना, खतरनाक है, शमशान प्रेत है ये, जिसे ब्रह्म राक्षस भी लोग कहते हैं ना, वो है ये। तो होगा क्या, सुनता रहे पहले मेरी बात, इससे फिर जब हम इसकी इसे सेवा कर देंगे, इसे दो तीन बार दावत देंगे तो ये भी एहसान मानेगा, फिर हम इससे कहेंगे भैया अब तू एक काम कर, ये ना पैसा चोरी करके ला देता है, हम इसे कहेंगे या तो हमें 1 किलो सोना ला के दे दे कहीं से, नहीं तो हमें 10-12 ला के 1.5 करोड़ की करोड़ रुपए ला के दे दे। अच्छा गुरु जी वैसा ही मेरे को चाहिए, क्या होगा गुरु जी? सुनना, पैसा आधा आधा बांट लेंगे दोनों गुरु चेले। समझ गया, समझ गया गुरु जी। लेकिन ध्यान रखना ये चीजें एकदम चिढ़ जाती हैं, पैसा मांगते हैं ना, तो उससे जरा प्रेम से मांगना है। हाँ भाई अपने को पैसा चाहिए ऐसा प्रेम से बोलने का, नहीं तो गुस्से में बोल दिया तो अपने को ही गुस्से में मार देगा साला वो। नहीं जान से तो नहीं मार सकता पर छेते का बढ़िया वाला। हाँ। गुरु जी तुम बोलता है ना वही समझ में आता है मेरे को माँ नहीं बाप नहीं, मेरे सब अकेला ही गुरु जी। अबे हम बैठे हैं तेरे माँ बाप, कैसी बात कर रहा है? हम हैं तो तेरे माँ बाप, तुम ही है ससा गुरु जी, मेरे को सच में बोल रहा है मेरे को माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं दे, अकेला ही है। तो एक बार ज्यादा तो नहीं पीटा तुझे, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा शरीर में? नहीं ना दर्द वर्द नहीं कुछ होता, मैं डरा ही नहीं रात में, उसको बोला मारने का ना चलो आ जा मैं मारता हूँ, मेरे को मार चल आ जा तो भाग गया मेरे को बोला अभी मारेगा नहीं आजा मारने के लिए आजा इधर। मैं हम जो इधर का गुरु है ना उनको फोन लगाया, वो बोला काय के लिए डरने का नहीं, उसको पहलवान जैसा दंड ठोकने का, उसको बोलना आ जा इधर हम लोग देखता है तेरे को आ जा इधर। वो बोल रहा है वो बोला अभी नहीं आएगा, अभी आज तो आएगा शमशान में तो मैं देखता हूँ, मैं देखेगा शमशान में आके। वो अभी तुमने गुरु जी ने बोला है चंदन का लकड़ लेते जाओ करोड़ करो, अभी करेगा वो जाके अंदर शमशान में। चंदन का लकड़ी मिले ठीक है, नहीं तो हड्डी लेके जाना, समझ गया ना? हाँ। चल ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक।